एक बात पूछू, बुरा तो नहीं मानेगा ना? पूछो, क्या पूछना चाहते हो? देख, मैं तो हूँ अपाहिज, हमारा पूरे गांव में नाम खराब है, साले सब के सब बेवड़े के नाम से जानते हैं। मेरी शैतानी खोपड़ी में एक ऐसा आइडिया है जो पूरे गांव पे राज कर सकते हैं। तुम बिल्कुल सही बोला भाई, सलाह मेरे दिमाग में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। सलाह हमारा तो गांव में कोई इज्जत ही नहीं। सलाह जिधर जाओ बेवड़ा बेवड़ा, सलाह अपना कोई इज्जत ही नहीं। अरे बेवड़े को बेवड़ा नहीं बोले तो क्या बोलेगा? इग्नोर कर साले उनको। चलो ठीक है, इग्नोर किया। ये साले कुत्ते भोंकते रहते हैं। एक क्या हुआ, इनके गले में दर्द होगा तो ये अपने आप शांत हो जाएंगे। चलो ठीक है, तुम अपनी सोच बताओ जिसकी वजह से हम पूरे गांव में राज करें। सोच तो बताएंगे, थोड़ा शराब डालो दिमाग की बत्ती जलेगी। सोचे हमें एक गुनाह करना होगा, एक ऐसा गुनाह जो किसी ने नहीं किया आज तक। हमारा जो भाई है मर चुका है, उसकी जमीन बहुत सारी है। अच्छा, अगर हम भाभी को मार देते तो उसका घर दार सब हम ले सकते हैं। हमें भी मिली थी, लेकिन तुमको पता है हमने दारू में शराब में सब ख़त्म कर चुके हैं। तो हमारे पास यही रास्ता है, भाभी को मारा जाए और उसकी पूरी ज़मीन हमारे पास हो। सही कहा है। अब आई जे, मगर दिमाग भेजे तेरा। मैं भी साला बहुत दिनों से यही सोच रहा था, पर आज तूने मेरी मुंह की बात छीन। आगे आगे देख मैं क्या क्या छीनता हूँ। क्या बोला? कुछ नहीं यारा, दारू खत्म हो चुकी है, कल वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन इसको मार कैसे जाए? मैं बताऊंगा। भाई मुझे माफ कर देना, भाभी को आपकी याद आ रही है। आप दोनों को मिलाना ही हमारा मकसद है। उसको कैसा मारा जाए? कल वो यहाँ से आएगी, वो खेती में जाती है तो हम यहाँ रुकेंगे। जैसे वो यहाँ से आएगी उसको उठा के यहाँ पे लेके आएंगे इस जगह पे, और यहाँ पे उसका खेल खल्लास। भाभी है ना? हाँ, प्यार से यहाँ पे मारेंगे। हाँ, भाभी को मार देते हैं। ये शराब भी बड़ी अजीब चीज है, सारे रिश्ते भुला देती है। नशा रे नशा, सबको डुबो के ले गया। समंदर है ये दुनिया, डूबना तो सबको है। मैं बताऊंगा उसको मारा कैसे जाए, फिर यहाँ पे उसका खेल खल्लास। फिर हम पूरे गांव पर राज करेगा राज। यस, हम पूरे गांव पे राज करेंगे। हमें कोई नहीं रोक सकता फिर पूरे गांव पे राज करने के लिए। बिल्कुल सही कहा। और कल सुबह दारू लेके आना, उसको नशे में मारेंगे, होश में हम मार नहीं सकते। सही कहा। साली दारू भी अजीब चीज है, किसी को बर्बाद कर देती है, किसी को अमीर बना देती है। जिसने बनाया उसकी माँ की जहाँ से वो आया ना, वो तू क्या देख रहा है? आई क्या नहीं देख उसको? जी भैया।
तुझे मारने आए हैं। माफ करना नहीं, मारना है। माफ करना भाभी, बहुत दिनों से हमको मारने की कोशिश में थे, पूरा घर दार जमीन। माफ करना भाभी। अरे हम राजा बनना चाहते, पूरे गांव के इसलिए मार रहे हैं। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कुत्ते कमीना। हाँ कुत्ता हूँ मैं, कमीना हूँ। वो 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 समझ में नहीं आता लोग कुत्ते को बदनाम क्यों करते हैं। अरे कुत्ता तो बहुत बड़ा वफादार होता है, शेर बोल शेर, जो किसी का भी नहीं होता है। रोको पैर को। हाँ अब हमें कोई नहीं रोक सकता। स्वाली बहुत बोलती है। जिसने भी आपको मारा है मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं जमीन जायदाद लेके वापस आऊंगी। जमीन जायदाद वापस लूंगी माँ, लौट के आऊंगी माँ। मैं
खड़ी। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो, कहाँ से आई हो, कहाँ रहती हो? दीदी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है दीदी। अच्छा ठीक है, मैं खिलाती हूँ। कुछ चाहिए? पानी चाहिए। तुम्हारे घर में कोई नहीं है क्या? कोई घर नहीं हमारा, हम बहुत अमीर थे, मेरे चाचा लोगों ने माँ को मार दिया। जो भी होगा वो सही होगा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पक्षी है, माँ बाप का सपना था कि मैं आसमान में उड़ूँ, इसलिए मेरा नाम पक्षी रखे थे। का नाम क्या है? मेरा नाम प्राणी है पक्षी। मेरे साथ रहोगी क्या? नहीं प्राणी दीदी, हम रोड पे सोते हैं, हमारा भी एक परिवार है, अनाथ हूँ पर अनाथ नहीं हूँ। अच्छा किसके पास रहती हो? पृथ्वीराज के पास, सबकी अलग अलग कहानी है दीदी। किधर है वो फिर अब? नहीं, ये कौन सा वायरस है? सारी दुनिया तबाह हो जाएगी, मर जाएंगे सब लोग, सब बंद हो जाएंगे। रुक जा, पूरी किसी को अंदर नहीं आने दिया, तो पूरी हो गई। दुनिया को तबाह करने के लिए एक बीमारी आ रही है, बहुत बड़ी बीमारी है, हो सके तो बाहर चला जाना, सेफ रहोगे, मैं जानता हूँ कौन सी बीमारी आ रही है। ऐसा क्या बोलते हैं पागल है? ये खबर पहुँचाने के लिए मुझे पेन चाहिए, कलम चाहिए।